वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी ज्ञान में। दोस्तों अभी का जो फाइनल रिजल्ट आपके निकल कर सामने आ चुका है, दोस्तों बता दें कि इंडियन आर्मी ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। ये जो रिजल्ट है 28 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था कोटद्वार का, जो अभी रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों एक एक बात करेंगे, पहले रिजल्ट की कोटद्वार की बात करेंगे, दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था बेंगलोर में, यानी कि बेंगलोर हेडक्वार्टर में हुआ था 28 फरवरी को, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों www.army.inc पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ऐसा एक फाइल खुलेगी और यहाँ से आपको क्लिक करेंगे और आपके सामने रिजल्ट खुलकर सामने आ जाएगा। तो बता दें दोस्तों कितने बंदे भर्ती हुए, यहाँ पे आपके सामने लेके आएंगे हम यहाँ पे। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल खुलेगी स्कैन करके। बता दें दोस्तों ये लैंडस्टोन की जो फाइल है, दोस्तों लैंडस्टोन की, यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन ने जो भर्ती देखी थी लैंडस्टोन में, तो कुछ ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी दोस्तों। 506 5451 6 यहाँ पे 2832, यानी कि टोटल कम से कम यहाँ पे 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पे 15 बच्चे एग्ज़ाम में रखे गए हैं, यानी कि 15 से 20 बच्चे रखे गए हैं। सोल्जर जो 8th जिन्होंने की थी ट्रेड्समैन में देखा था, उनके भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिली, उनसे भी 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें टोटल 4 बच्चे ही भर्ती हो पाए हैं। तो बता दें कि सोल्जर टेक्निकल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी आप रिज़ल्ट दे सकते हो, अच्छा रिज़ल्ट आया है। टोटल यहाँ पे 80 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें टोटल कम से कम 40 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो बता दें कि कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि वैकेंसी तो बहुत सारी थी, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए। तो दूसरा अगले एग्ज़ाम की बात करेंगे। जो अगला एग्ज़ाम हम देख रहे हैं नेट पर दे दिया गया है फाइनल रिज़ल्ट में, वो दे दिया गया बेंगलोर में, बेंगलोर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता दें कि बेंगलोर के भी आप फाइल यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये पीडीएफ खुल के आपके सामने आ जाएगी, जो कि बेंगलोर का रिजल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो बेंगलोर का रिजल्ट है, वो भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं आया। बेंगलोर सोल्जर ट्रेड्समैन, जहाँ पे जिन्होंने कुल मिलाकर 80 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कम से कम 40 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए हैं। तो सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8th के एग्ज़ाम दिया था, 34 ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें टोटल 5 बच्चे एग्ज़ाम में पास हुए हैं। तो सोल्जर ट्रेड्समैन का बता, सोल्जर ट्रेड्स टेक्निकल में, सोल्जर टेक्निकल टोटल 24 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, टोटल 24 ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें अच्छा हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। 24 ने 20 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सोल्जर टेक्निकल एन ए तो यहाँ पे 15 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 2 सिलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने रिज़ल्ट डाल दिया। अगर आपको भी रिज़ल्ट देखना है तो आप यहाँ पे जाकर अपना गूगल पे जाकर देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले रिज़ल्ट हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।